सर्व सुविधा युक्त अनुभवी ट्रेनरों के साथ जेंट्स एंड लेडीज सनशाइन जिम। हमारा पता है मलैया मैरिज गार्डन, राजघाट रोड, तिलीवाट, सागर, मध्य प्रदेश। अधिकतर ग्राम पंचायतों में जबरदस्त भ्रष्टाचार होता है और सरपंच सचिव के कारनामे भी जग जाहिर है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाए तो उसकी आवाज को भी दबाने के 100 औजार हैं। ऐसी एक खबर मध्य प्रदेश के दमोह जिले के रामबाई के विधानसभा क्षेत्र पथरिया से जुड़ी है, जहाँ ग्राम पंचायत के भ्रष्टाचार को लेकर एक जागरूक इंसान आमरण अनशन पर बैठ गया। हद तो तब हो गई कि इस शख्स को छोड़कर जनपद पंचायत का अमला गांव में जांच करके आ गया और सरपंच और सचिव को क्लीन चिट भी दे दी, कहा कि सब कुछ ठीक। साथ ही यह भी फरमान जारी कर दिया कि अगर यह शख्स आमरण अनशन से नहीं उठा तो पुलिस के द्वारा कार्रवाई करवा दी जाएगी। तो यह तस्वीरें देखी, यह रेवाराम सुमन है जो जनपद पंचायत कार्यालय पथरिया के सामने 2 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। देखो जाए जनपद पंचायत के अधिकारी इतने भ्रष्ट हैं कि हम यहाँ वो बैठे और वो गांव में जांच करने पहुँचे। अब उनको यही पता नहीं है वार्ड क्रमांक 17 की सड़क कहाँ है, तो वो क्या देखेंगे? सीओ साहब हमें बताइए, हम यहाँ बैठे वो अपने अधिकारियों के साथ वहाँ जांच करने चले गए, वो क्या देखेंगे वहाँ पे? सीओ से आपकी क्या बात हुई थी? हमसे तो ये बात हुई थी कि हम साथ चलेंगे। अब वो अकेले चले गए, क्या मालूम क्या जाँच करके ले आएंगे। हर बार ऐसी करते हैं, वास प्रतिवेदन भेज देते, जांच करते नहीं है। हाँ बताइए हम कैसे जाएं? अब उन्होंने कह दिया हम साथ चलते हैं, तो हम पैदल तो जा नहीं सकते भाई, उतने 3-4 किलोमीटर 2 दिन से भूखे हैं, प्यासे हैं, तो हमारे तो हाथ पैरों में तकलीफ है, तो अब तुम जा नहीं सकते हैं। अब आपका क्या निर्णय है? हमारा तो ये निर्णय है कलेक्टर साहब स्वयं आए और इनकी भ्रष्टाचारी देखें, सीओ साहब की और इनके अधिकारियों की। सबसे मेन बात है, अब आप कब तक नहीं उठेंगे? अब तो हम जब तक नहीं उठेंगे जब तक कलेक्टर साहब नहीं आए। यह लखरौनी ग्राम पंचायत के रहने वाले हैं और इसी ग्राम पंचायत के निर्माण कार्यों के भ्रष्टाचार को लेकर 1 साल से अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। हर बार जब अनसुनी हुई तो अब यह भूख हड़ताल पर बैठ गए। वहीं सीओ साहब भी गुपचुप तरीके से जांच करके आ गए, कहा कि इस ग्राम पंचायत में सब कुछ चंगा है, सब कुछ ठीक है। भाई गजब है, सीओ साहब जो पीड़ित है, जिसकी पीड़ा है, उसको साथ ले जाते तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, लेकिन साहब पीड़ित को नहीं ले गए और जांच करके वापिस आ गए। अब कह रहे हैं कि अगर रेवाराम भूख हड़ताल से नहीं उठेगा तो हम पुलिस बुलाएंगे और कानूनी कार्रवाई करवा देंगे। जिस रोड के बारे में रेवाराम अहरवाल ने शिकायत की थी, वो रोड मौके पर पाई गई है सभी ग्रामीणों के समक्ष और मीडिया कर्मियों के समक्ष भी प्रत्यक्षदर्शी है और शिकायतकर्ता आज भी नहीं आए हैं। उनकी शिकायतों की सभी बिंदु पर जांच करा दी गई, उसके बाद भी वो एक अराजकता का वातावरण बना रहे हैं, तो आगे इसमें पुलिस कार्रवाई की जाएगी। यह साहेब मध्य प्रदेश है, यहाँ ऐसे ही आवाजों को दबा दिया जाएगा, जो बोलेगा वह जेल जाएगा। गगन सेन के साथ प्रमोद शर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज़, पथरिया।